हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तीन कलर लिए हैं और 7 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ, ये देखें। और ये देखें, हम ब्लैक कलर से फिंदे डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें 34 फिंदे डाल लेने हैं। तो फिंदे डाल लेती हूँ 34, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो 34 फिंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये देखें येलो कलर मैं सबसे पहले लगा लूँ। ये देखें, इस धागे में इस तरह से नॉट लगा लेनी है ताकि ये धागा खुले नहीं। अब देखें, इस तरह से अंटर लगाते हुए एक फिंदे को बढ़ा लेना है और दो फिंदे ब्लैक ब्लैक वाले हम येलो बुन लेंगे। ये देखें, अब देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह फिंदे हमने ब्लैक से कर लिए, दो फिंदे मैंने येलो कर लिए थे ब्लैक वाले। तो टोटल फिंदे यहाँ पे 20 हो गए, एक फिंदे को बढ़ाया है 21 फिंदे। अब यहाँ से देखें, ये वाला कलर ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिंदे बिन लिए, एक और दो फिंदे हमने ब्लैक के ये बगैर बुने हुए छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब जो जैसा कलर लगाया है वैसा ही ऊपर तक बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कर लेती हूँ। फिर से देखें, यहाँ पे इस तरह से अंटा लगाते हुए एक फिंदे को बढ़ा लेना है। तो मैंने दो फिंदे बढ़ा लिए और दो फिंदे ब्लैक वाले मैं येलो कलर के कर लूँगी। तो यहाँ पे अब 6 फिंदे हो गए, दो ऊपर बढ़ाए हुए हैं, 4 नीचे आ गए। अब यहाँ पे 16 फिंदे बचे हुए हैं, तो 16 फिंदे इसी तरह से ऊपर देखें डिजाइन बनती हुई जा रही है। यहाँ पे अभी हमने 12 फिंदे बने थे, अब हम 10 फिंदे इसके बिनेंगे और जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। यहाँ पे हम ना फिंदे बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे। ये देखें वैसे ही बुन लिए, 4 सिलाई हमें इसी तरह से निकाल ली है और दो फिंदे हम नीचे की साइड पे पिंक कलर के छोड़ देंगे। हर उल्टी सिलाई में हमें दो दो फिंदे छोड़ना है, तो मैं छोड़ दिए और सिलाई को पलट लिया है ऊपर तक। अब इसी कलर से जो कलर लगे हैं उन्हीं कलर से बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ। फिर आपको देखें, फिर से हम यहाँ पे फिंदे को बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम फिंदे बढ़ाते जाएंगे और नीचे की साइड पे हम दो दो फिंदे करते हुए बुनते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से,
बीच में आठ फिंदे बचेंगे, आठ फिंदे बचेंगे इसी तरह से बनाते बनाते। अब देखें नीचे की साइड पे किस तरह से हम ऊपर की साइड आएंगे, वो आप देखें। अब देखें यहाँ पे चार फिंदे हैं, तो चार फिंदे हैं वो हम पिंक कलर से बनाएंगे, ये देखें। और नीचे की तरफ से हम दो दो फिंदे छोड़ते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं छोड़ती आऊंगी। ये देखो छोड़ दिए, सिलाई को पलट लिया है। अब जो जैसा कलर है वैसा ही देखें, इस तरह से हम फिंदे को फिर से बढ़ा लेंगे। अब देखें दो फिंदे नीचे जा रहे हैं, अब यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। अभी हम ऊपर नहीं बढ़ाएंगे फिंदे। यहाँ पे देखो ब्लैक वाले अभी आठ फिंदे बचे हुए हैं। अब देखें इन आठ फिंदों को हम किस तरह से बनाएंगे। अब ऊपर की साइड देखें, यहाँ से इस तरह से हम फिंदों को कम करेंगे, जिस तरह से बढ़ाया है। एक कम कर लिया, अब नीचे की साइड देखें। अब दो फिंदे हम ब्लैक कर लेंगे, येलो वाले ब्लैक कर लेंगे। अब यहां पे देखें दो ये और चार फिंदे हम फिर से बुन लेंगे। अब ये देखें चार फिंदे बचे हुए हैं, तो इनको मैं पिंक कर लूंगी। और नीचे की साइड ध्यान रखिएगा, दो दो फिंदे हम बराबर छोड़ते जाएंगे, हर उल्टी सिलाई में दो फिंदे नीचे की साइड पे छूटते जाएंगे। ये देखो छोड़ दिए, उस सिलाई को पलट लिया है। अब ऊपर तक जो जैसा कलर है वैसा ही बनाते हैं। अब देखें फिर से दो का एक कर दिया, इसी तरह से हमें फिंदे कम करते हुए ऊपर तक आना है। ऊपर सिर्फ चार फिंदे बचेंगे, ब्लैक वाले चार फिंदे बचेंगे। ये देखें फिर से हम दो ब्लैक कर लेंगे, तो ये सारे फिंदे येलो वाले ब्लैक हो जाएंगे इसी तरह से। और नीचे की डिजाइन जो चच्चा सिलाई की है वो हम इसी तरह से ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे। और दो फिंदे हम नीचे की तरफ से छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इस कली को पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे चार फिंदे बचे हुए हैं। आप देखें यहाँ तक ये कली बनके तैयार हो गई है, सिर्फ चार फिंदे बचे हुए हैं, ये कली इस तरह से बनेगी। तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखें हम किस तरह से बनाएंगे इसको। यहाँ पे देखें चार ये फिंदे और चार ये पिंक वाले कर लेंगे ब्लैक, तीन चार। अब नीचे की साइड देखें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब यहाँ से देखें दो फिंदे हम यहाँ से बगैर बुनी हुई बुन लेंगे, तो दस फिंदे बुन लिए। सिलाई को यहीं से पलट लिया, अब जो जैसा है वैसा ही ऊपर तक बना लेंगे। देखें यहाँ पे जिस तरह से हमने इसको बनाया है उसी तरह से यहाँ भी हम बनाना है, और ये कली हम नीचे की साइड पे ले जाते हैं। तो ये देखें अंटा लगाते हुए, ये देखें अंटा लगाते हुए इस तरह से हमें फिंदे को बढ़ा लेना है। दो फिंदे ब्लैक वाले हो गए, एक हमने ऊपर की साइड बढ़ा लिया, तो तीन फिंदे हैं। अब देखें ये रो हम इसी तरह से निकालेंगे, ब्लैक हैं तो ब्लैक ही बुनेंगे, क्योंकि नीचे वाली जो डिजाइन है वो चच्चर सलाइन की है। दो सलाई हम इधर से निकालते हैं, दो सलाई हम उधर से निकालते हैं, तभी डिजाइन ये पूरी होती है।
आप देखें इस तरह से हमने एक फिंदे को उठाया और दूसरे फिंदे के साथ इस तरह से बना लिया। तो यहाँ पे 12 फिंदे हो गए, ये 12 के 12 फिंदे रहेंगे। जैसे हम चार नीचे लाते हैं तो 8 बचते हैं, फिर 2 बना लेते हैं, फिर 2 बना लेते हैं, इसी तरह से 12 हो जाते हैं। दो दो करते हुए नीचे की साइड बढ़ रहे हैं, पूरी रो इसी तरह से जो जैसा कलर है इस तरीके से हमें फिंदे को बढ़ा लेना है। आप ध्यान से देखिएगा इस वाली कली को ताकि आप अच्छे से बना सकें। देखें दो फिंदे नीचे बना लिए, एक फिंदे को ऊपर बढ़ाया, दो फिंदे हमने नीचे बना लिए ब्लैक वाले। अब यहाँ पे देखें 4 फिंदे बचे हुए हैं। अब 4 हम फिर से नीचे जाएंगे, 1 2 3 4। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से देखें इस तरह से हमने फिंदे को उठाया 9 10 और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। पलट लिया ऊपर तक इसी तरह से जाना है जो जैसा कलर है। देखें ये देखें तीसरा फिंदा मैंने बढ़ा लिया, अब नीचे की तरफ देखें दो फिंदे हम इस तरह से ब्लैक वाले में से बिन लेंगे। तो 3 बढ़ाए, एक और बढ़ाऊंगी तो ये 4 फिंदे बढ़ाना है इसी तरीके से। आप देखें इस तरह से हमने बना लिया तो 12 फिंदे अब पिंक कलर के हो जाएंगे। ये देखें यहां से हमने एक फिंदे को उठाया और ये देखें 12 फिंदे, सिलाई को पलट लिया है। अब जो जैसा है वैसा ही ऊपर तक बनाना है। फिर से देखें ये देखें 4 फिंदे बढ़ा लिए, अब हमें ऊपर की तरफ हम फिंदे नहीं बढ़ाएंगे, 4 फिंदे बढ़ाने हैं। और ये देखें 2 फिंदे ब्लैक वाले और हमने कर लिए। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 4 बार नीचे गए तो 8 फिंदे बिने, 2 2 करते हुए 4 बार बिन लिए और 4 फिंदे हमने देखें ये 1 2 3 4 4 ऊपर बढ़ा लिए, 4 हमने ब्लैक वाले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 4 बार हमने 2 2 फिंदे करते हुए ब्लैक कर लिए हैं। तो टोटल हमने ये 12 फिंदे हैं मेरे पास। तो अब इसी तरह से 12 ही फिंदे रहेंगे, अब हम फिंदे को बढ़ाएंगे नहीं। अब देखें 4 फिंदे नीचे फिर से जाएंगे, अब 2 फिंदे हम फिर से नीचे की साइड से बुन लेंगे बगैर बुने हुए और सिलाई को पलट लेना है। देखें ऊपर की साइड से हम 2 का 1 करेंगे, जिस तरह से हमने फिंदे को बढ़ाया है उसी तरह से कम करना है। तो 1 कम कर लिया, आप ध्यान से देखिएगा इसी तरह से आपको बनाना है। मैं इस वाली कली को इसलिए बता रही हूँ दोबारा से ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब ये 2 फिंदे हैं ब्लैक हो जाएंगे, ये देखें बाकी डिजाइन इसी तरह से चलेगी जिस तरह से चल रही है। तो नीचे तक पहुंचती हूँ और 2 फिंदे हम बगैर बुने हुए बुन लेती हूँ, फिर आपको एक बार और बताती हूँ। ये देखें फिर से हम 2 का 1 करेंगे तो 2 फिंदे कम कर लिए, इसी तरह से हमें 2 फिंदे और कम करना है और ये ब्लैक वाले ऊपर की तरफ हम 2-2 फिंदे ब्लैक करते जाएंगे येलो वाले। ये देखें अब नीचे की तरफ जाएंगे, 4 फिंदे हम फिर से ब्लैक कर लेंगे, ये देखें 1 2 3 4। अब देखें 10 फिंदे बचे हुए हैं, यहां से इतने बना लेंगे तो 10 फिंदे हो जाएंगे, नीचे तक जाएंगे तो 12 फिंदे हो जाएंगे।
ये इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऊपर तक, फिर मैं आपको दिखा। देखो ये कली पूरी कंप्लीट हो चुकी, यहाँ पे 12 फिंदे बचे हुए हैं, यहाँ पे अभी 3 फिंदे बचे हुए हैं, इनको आप देखें, आप देखेंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये 3 फिंदे किस तरह से, एक हमें कम करना है, बाकी फिंदे अब जितने थे उतने ही हो गए, ऊपर के फिंदे मैंने सारे कम कर लिए। इसी तरह से आपको बनाना है, अब सारे फिंदे ब्लैक हो जाएंगे, पूरी रो इधर से और उधर से ब्लैक निकालेंगे। तो ब्लैक 2 सलाई निकालने के बाद आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब देखें जिस तरह से हमने फिंदे डाले थे उसी तरह से आ गए। अब देखें हम यहाँ पे किस तरह से, जिस तरह से हमने इसको बनाया था उसी तरह से आपको बना लेना है। ये देखें अंटा लगाते हुए 2 फिंदे हम ब्लैक वाले बनेंगे और 18 फिंदे हम ये ब्लैक वाले बिन लेते हैं। अब दोबारा से कली किस तरह से आगे बढ़ाऊंगी वो मैं बता रही हूँ। ये देखें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से हमने कली बनाई हुई है, ये देखें। अब यहाँ से इसी वाले कलर से बनाएंगे, आप इसको फटी पुरानी साड़ी से भी बना सकती हैं, कोई भी फटे पुराने कपड़े हों उससे आप बुन सकती हैं। इसी तरह से बड़ा छोटा भी कर सकती हैं, जैसे मैंने 34 फिंदे में बनाया है आप 42 फिंदे में बनाइएगा, इसी तरह से बड़ा बना सकती हैं। ये देखें 2 फिंदे मैंने छोड़ दिए, 12 फिंदे बिन लिए और ये कली स्टार्ट कर ली है। अब इसी कली को हमें बार बार रिपीट करते हुए जाना है और बना लेना है, तो मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है, अब मैं इसको सिल के बताती हूँ। तो सिलना किस तरीके से है ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिल लेना है। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको। ये देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।